आप सभी को मेरी और मार्केट टाइम्स टीवी की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जानेंगे कि आज दीपावली के शुभ अवसर पर कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है और इस दिवाली कौन सी कम्युनिटी आपको बोनस दिला के चल सकती है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। जान लेते हैं रूपा जी से कि आज कृषि जिंसों का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है और आने वाले समय में कृषि जिंसों का बाजार कैसा रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले साल के मुकाबले यानी साल 2020 के मुकाबले साल 2021 में लगभग कम्युनिटीज़ के जो प्राइसेस हैं वो डबल होते हुए नज़र आए हैं, यानी कि डबल अगर पूरी तरह से डबल भी नहीं हुए हैं तो डबल के आसपास ही हैं। खाद्य तेल हो, कोई सा भी कम्युनिटी क्यों ना उठा के देख लें, सब में ही पिछले साल के मुकाबले बढ़त देखने को मिली है। और ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी बढ़त है, काफ़ी शानदार बढ़त है, इस जिसका मुख्य कारण है पैंडेमिक। हम देखते हैं कि जब भी पैंडेमिक या कोई आपदा आती है तब कम्युनिटी प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। तो आज दिवाली पर कैसा रहेगा और दूसरा आने वाले साल में कम्युनिटीज़ में क्या करके चलना सही रहेगा, रूपा जी से जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कैसे सीर के बारे में। कैसे सीर के नवंबर वायदा देखने 6524 पर है हल्की सी बढ़त के साथ, वहीं पर दिसंबर वायदा 6600 पर है। रूपा जी देखने कैसे सीर का नवंबर वायदा 6500 के घरों में कारोबार कर रहे हैं, वहीं दिसंबर वायदा 6600 पर है, आपको क्या लगता है? जैसे ये जो त्योहारी सीजन वाला जो सप्ताह कारोबारी सप्ताह है, अगर इसके बाद क्या कैसर में एक बार फिर से 6800-7000 तक के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए बिल्कुल उम्मीद तो है कि एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप हो सकते हैं और एक तेजी बन सकती है और कैस्टर के अंदर उम्मीद की जा सकती है कि 6800 से लेकर 7000 का स्तर देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए मान के चलिए कि अभी रेंज बाउंड है थोड़ा सा मार्केट और इस रेंज बाउंड के चलते नीचे में भी लुढ़क सकता है। 6480 तक एक बार नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 6480 से लेकर ऊपर में 6620 की फिलहाल रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, बिनौला खल की बात करें तो बिनौला खल का दिसंबर वायदा देख रहे हैं आज भी 2500 के घरों में कारोबार कर रहा है, आपको क्या लगता है 2500 के ऊपर का ब्रेकआउट कब तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि देख रहे हैं कि जो कीमतें हैं काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन के साथ कारोबार कर रही हैं? देखिए बिनौला खल में भी तेजी का ही रुझान है और आगे आने वाले दिनों में एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल के लिए थोड़ा सा बाजार ऊपरी स्तरों पर फिसला जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वापस से बिनौला खल जो है वो तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जो गिरावट आई थी वो अब थमती हुई नजर आ सकती है और अगर ऊपरी स्तरों की बात करें तो मुझे लगता है कि बिनौला खल के अंदर तेजी बन सकती है। जी ये सर पर जी देख रहे हैं कि मसाला बाजार भी ठीक ठाक लेवल्स पर सस्टेन होकर चल रहा है त्योहारी सीजन के चलते, आपको क्या लगता है जैसे ही त्योहारी सीजन जाएगा तो क्या मसालों में एक नरमी आएगी या फिर एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वो भारत की मसालों की ओर रुख कर रहे हैं? देखिए मसालों की अभी थोड़ी छुटमुट डिमांड जो है वो निकलती हुई दिखाई दी है और इसके चलते एक तेजी बनी है और आगे भी कंटिन्यूशन में बाजार थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम में जाता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन लंबी तेजी फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि छुटमुट खरीदारी देखने को मिल सकती है। जी रूपा जी इससे बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की तो ग्वार में भी देख रहे हैं कि कुछ कीमतें हल्की सी टूटी हैं, लेकिन इतनी भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा गिरावट दर्ज की जाए, अभी अपने सपोर्ट लेवल्स पर हैं अभी भी, आपको क्या लगता है क्या ये जो निचले स्तर हैं ये अच्छे मौके हैं ऊपरी स्तर पर कमाई करने के लिए क्या इन लेवल्स पर ग्वार कॉम्प्लेक्स में ग्वार गम और ग्वार सीड के अंदर खरीदारी करके चलना सही रहेगा? देखिए की जा सकती है बाइंग ग्वार के अंदर, क्योंकि अभी जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो पॉजिटिव है। मतलब देखा जाए तो फंडामेंटल इतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं है जितना ट्रेडर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं इसके अंदर। अभी ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली जरूर बनती हुई दिखाई दी है, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि वापस से बाजार एक अपसाइड मोमेंटम में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। दिवाली के बाद एक बार फिर से रैली आ सकती है, तो फिलहाल इसके अंदर खरीदारी की रणनीति बनाकर चला जा सकता है। जी ये सर ऊपर जी बात करेंगे सोयाबीन की तो सोयाबीन में हमने बीते सत्र में सोयाबीन को 5500 के लेवल्स पर जाते हुए देखा था, रूपा जी अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे सोयाबीन की जो बढ़त है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ती ही जा रही है, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से पहले सोयाबीन का दाम 10-12 हज़ार तक देखने को मिल चुका है और फिर उसके बाद से दाम उसके आधे पे आ गए और अब किसान ज़्यादातर अपनी सोयाबीन होल्ड ही करके रख रहे हैं जो सक्षम किसान हैं जो होल्ड करके रख सकते हैं और उनका ये भी कहना है कि फरवरी मार्च से पहले नहीं बेचेंगे, उसका असर वायदा पर कितना देखने को मिल पाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि वायदा का असर तो हाजिर पर पड़ता है लेकिन इस बार उल्टा होता हुआ नजर आ सकता है, हाजिर का असर वायदा पर पड़ता हुआ नजर आएगा, तो आपको क्या लगता है क्या सोयाबीन 6000 या उसके भी ऊपर के लेवल्स दिखला पाएगी? देखिए 6000 का स्तर बिल्कुल हो सकता है कि अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी माल की मार्केट के अंदर
तो ये जो है लेवल्स आ भी सकते हैं, लेकिन देखिए फंडामेंटल अब नहीं जो है इसका पॉजिटिव है, और मुझे नहीं लगता कि सस्टेनेबिलिटी आएगी। देखिए अगर मार्केट में मंडियों में माल ही नहीं आएगा और फार्मर्स अगर बेचेंगे ही नहीं तो डिमांड ही पिकअप नहीं होगी और प्राइसेस जो है वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, या फिर अगर डिमांड निकलती है और अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो प्राइसेस में जंप भी आ सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, मुझे नहीं लगता कि सस्टेनेबिलिटी है ऊपरी स्तरों पर, छुटमुट बाइंग आ सकती है और 6,000 का स्तर बिल्कुल संभव है कि देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि दिवाली के बाद से करेक्शन बढ़ सकती है और जो भाव है वो 5200 से लेकर 5,4800 इस रेंज में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी रूपा जी, आपको क्या लगता है अगर कॉटन कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो कॉटन में इस बार का प्रोडक्शन तो कम बताया जा रहा है, लेकिन अगली बार का नेक्स्ट सीजन का जो प्रोडक्शन का जो एस्टिमेशन आया है कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से वो ज्यादा बताया जा रहा है, क्योंकि इस बार बारिश अच्छी हुई है। आपको क्या लगता है इसका असर अब कॉटन की कीमतों पर कितना देखने को मिल सकता है? देखिए कॉटन की कीमतों में अभी फिलहाल जो है एक महीने तक तेजी का ही रुझान बन रहा है और एक महीने के बाद जैसे ही अराइवल्स पिकअप होंगे उसके बाद देखा जाएगा कि मार्केट के ऊपर क्या इसका आता हुआ असर दिखाई देता है और कैसे अराइवल्स रहते हैं। लेकिन फिलहाल अभी नवंबर का महीना जो है वो तेजी वाला रह सकता है और इसके चलते हमें लगता है कि थोड़ा बहुत बाजार और उठ सकते हैं, और जो कॉटन अभी हमने कुछ एक मंडियों में 10,000 के पार भी जाती हुई दिखाई दी है हमें, हो सकता है कि 10,000-10,500 के आसपास जो है इसकी सस्टेनेबिलिटी बनती हुई दिखाई। जी ये सर जी, बात करें अगर मेंथा की तो मेंथा ऑयल में आपको क्या लगता है? देख रहे हैं कि जो कंज्यूमर डिमांड है वो तो काफी ज्यादा वीक हो चुकी है, ऐसे में वायदा में क्या स्ट्रेटेजी बनाकर चलना सही रहेगा? देखिए मेंथा में अभी फिलहाल ऊपरी स्तरों से मेरे हिसाब से बिकवाली में ही रहना चाहिए, बहुत ज्यादा फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि बाजार जो है एक सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं और मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चलना चाहिए। जी रूपा जी, आपकी तरफ से टॉपिक्स क्या रहेंगे आज दिवाली के शुभ अवसर पर एग्री कमोडिटीज के, जिनके अंदर मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए आज अगर देखा जाए एग्री कमोडिटीज में तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको बिनोला, खल, कॉटन और ग्वार ये कमोडिटीज और इसके साथ कैस्टर सीड ये सारी कमोडिटीज आपको मुनाफा देती हुई दिखाई दे सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि आगे जाके कौन सी कम्युनिटी कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ सकती है और उस पर रूपाल जी की क्या राय है। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मांगेराम सी पर।